जय श्री कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे लड़कूपाल ड्रेसेस में। आज की वीडियो में मैं आपको बास्केट बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमने लिया है ये बास्केट, इसके थोड़े बड़े होल्स वाली बास्केट ली है मैंने। एक मैंने ये पत्ती ली है, ये मैंने हाफ इंच चौड़ाई ली है इसकी और 24 इंचेस ये लेंथ ली है। आप चाहे तो 1 इंचेस भी ले सकते हैं और 26 to 30 जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और इसके साइड्स में मैंने ये 2 होल्स कर लिए है ताकि हम इसे यहाँ पर बाइंड अप कर सके इस तरह से। और मैंने ये 2 लैस ली है, एक मैंने ये थोड़ी बारीक लैस ली है और एक इससे थोड़ी सी चौड़ी लैस ली है। एक ये मैंने नेट का कपड़ा लिया है और एक ये मैंने वेलवेट का पीस लिया है। नेट का मैंने इसके पर्दा बनाने के लिए लिया है और ये जो वेलवेट का है इससे हम टोकरी को कवर अप करेंगे। ये मैंने पेस्टिंग स्टोन्स ली है डेकोरेशन के लिए और एक ये लटकन एंड पैच डेकोरेशन के लिए टोकरी की। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम इस पत्ती को कवर अप कर लेंगे इन होल्स को छोड़कर, जो ये कॉर्नर्स पे होल है इन्हें छोड़कर हम यहाँ से यहाँ तक इसे कवर अप कर लेंगे ये वेलवेट के पीस से। ये मैंने ये देखिए इस तरीके से ये जो स्ट्रिप है कट कर लिया, इसे हमें इस तरह से कवर अप करना है। बिल्कुल इसे टाइट से खींच कर लीजिए ताकि कोई भी सल ना आए। इस तरह से हमें इसे कवर अप करना है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये देखिए हमने इसे कवर अप कर लिया है, हमने इसे दोनों साइड से कवर अप कर लिया अच्छे से। अब हम फ्रिल बनाएंगे, नेट की फ्रिल, जो हमने ये कपड़ा लिया था नेट का उसकी फ्रिल बनाएंगे। ये हम 1.5 इंच लंबी काट लेंगे। पूरी जो आपको बास्केट है उसके अंदर आपको 1 मीटर सफिशियंट रहता है कपड़ा नेट का, आप इसे 1.5 इंच लंबी काट लेंगे। अदरवाइज आप इसमें जॉइंट भी लगा सकते हैं। और 2 इंच ये जो मैंने बास्केट है इसे यहाँ से आप इतना देख लीजिए, अप्रोक्स ये 2 to 3 इंच रहती है। तो ये 2 इंच की हम पट्टी काट लेंगे और इसकी फ्रिल बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसके एक साइड लैस लगा दी है और यहाँ से मैंने बिल्कुल हल्की हल्की प्लेट्स डाल दी है ताकि ये हमारी फ्रिल लगे। इसे हम अंदर की साइड यहाँ से ऐसे करके लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे कवर अप कर लेते हैं बास्केट को और ये पत्ती लगा लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो काम रहेगा हमारा ये रहेगा पत्ती लगाना। तो पत्ती हम यहाँ से एक बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से इसे इस तरह से टाई अप कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ से टाई अप कर लिया है पत्ती को बिल्कुल टाइटली, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही यहाँ से। अब हम यहाँ पर इस टोकरी को कवर अप करेंगे। कवर अप करने के लिए आप बिल्कुल टाइटली इस पे हाथ रख लीजिए यहाँ पर और इसे कपड़े को इस तरह से बिल्कुल टाइट खींच कर यहाँ पर इसे आप कवर अप कर लीजिए। और जो यहाँ पर आएगा उसे हम हल्का सा कट लगाकर सही कर लेंगे। इसे इस तरह से यहाँ पर हम ग्लू गन लगाएंगे, बिल्कुल टाइटली खींचकर इस तरह से कि यहाँ पर आपके बिल्कुल सल ना आए। ये देखिए हमने इसे बाहर से बिल्कुल अच्छे से कवर अप कर लिया है, बिल्कुल मामूली सा एक आधा सल आया है जो राउंड शेप के कारण आया है, अदरवाइज बिल्कुल भी इसमें सल नहीं है। अब हम इसे जो ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है इसे कट कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से हम ये पूरी में कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने अंदर का जो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ से कवर करेंगे। इसे कैसे कवर अप करेंगे आप ये देख लीजिए, ये कितने इंच की है यहाँ से इसकी चौड़ाई, ये 3 इंच की आ रही है 3 इंच की। और इसकी ये चीज देख लेंगे हमारी कितनी है।
आप अंदाजे से इसे 1.5 मीटर या 1.25 मीटर ले सकते हैं। एक्स्ट्रा होगा तो आप उसे कट कर दीजिए। हम इतनी स्ट्रिप्स कट करके यहाँ पर लगाएंगे, उससे और भी ज़्यादा सफाई आएगी। ये मैंने 3.5 इंच की एक पट्टी कट कर ली है। अब इसे हम यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट कर लीजिए, इस तरह से रखकर हम पूरी के अंदर ये पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने स्ट्रिप लगा ली है। इसमें बिल्कुल मामली मामली से सल आएंगे, वो भी क्योंकि ये राउंड शेप की है। अगर आप स्क्वायर शेप के लेते हैं तो इसमें सल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब यहाँ पर फ्रिल लगा लेंगे जो हमने बनाई थी। इसे आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए ताकि जो आपका ये पॉइंट है वो आपका बिल्कुल भी दिखे ना। इसे इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से हम पूरे में पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमने फ्रिल लगा ली है। अब हम इस पे ये दूसरी लैस लगाएंगे। ये लैस ये हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि इससे और भी ज़्यादा हैवी लुक लगने लगे इसका। ये जो लैस है मैंने इसके सिर्फ हाफ पोर्शन पे लगाई है क्योंकि बैक साइड ये हमारा पर्दे से कवर अप हो जाएगा। ये मैंने इसके सिर्फ यहाँ से लेके इसके इस पॉइंट तक लगाई है। तो आप भी हाफ पोर्शन में लगा लीजिए, यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर दूसरी जो बारीक लैस है ये वाली जो हम पर्दा घेरेंगे तो उसकी लैस दिखेगी यहाँ पर। ये देखिए, हमने ये लैस लगा ली है। अब हम इसका पर्दा बनाएंगे। सबसे पहले पर्दा कैसे बनाएंगे, जो इसका ये सेंटर पॉइंट है, जो हमने ये पत्ती लगाई है इसका ये सेंटर पॉइंट, ये हम नेट का यूज करेंगे। आपको पर्दा बनाने के लिए मैं आप बता देती हूँ कि इस तरह से इसका जो ये सेंटर पॉइंट है हम नेट को इस तरह से डालेंगे। इतना सा आप आगे छोड़कर, इतना सा पीस 2 इंच का आगे छोड़कर, और यहाँ से भी 2 इंच 3 इंच का छोड़कर और 2-3 इंच का छोड़कर ये जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लीजिए। इस तरह से देख लीजिए। और पीछे के लिए हम इसका इस तरह से यहाँ से ये देखिए इतना सही रहेगा, इतना बिल्कुल बराबर का कट कर लीजिए। और जो ये एक्स्ट्रा है 2-3 इंच का कपड़ा उसे काट लीजिए। और इसके दोनों साइड को हम लैस लगा लेंगे। जो ये फ्रंट साइड रहेगी उस पर हम ये वाली लैस लगाएंगे, और जो ये नीचे आएगी ये वाली जो चीज़ है उस पर हम ये पतली वाली लैस लगा लेंगे। तो हम सबसे पहले इसका पर्दा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ये यहाँ पर्दा तैयार कर लिया है। इसके मैंने फ्रंट साइड पे ये वाली लैस लगा दी है। ये देखिए, और इसके जो ये 3 साइड्स है मैंने ये पतली वाली लैस लगा दी है, और मैंने यहाँ से भी इसे कवर अप कर दिया है ये मोती वाली पतली लैस लगाकर। जो जॉइंट था वो बिल्कुल चुप गया है यहाँ से, और इससे सफाई भी बहुत आ चुकी है। अब हम यहाँ पर पर्दा लगाएंगे। पर्दे का के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर इसका पर्दे का यहाँ से इस पकड़ेंगे, और इसके सेंटर पॉइंट जो ये सेंटर पॉइंट है बिल्कुल उसे यहाँ पर ऐसे इसके सेंटर पॉइंट पर रखेंगे। इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ रख लिया है हमने इसे। अब हम यहाँ पर हल्का सा ग्लू का एक ड्रॉप डाल देंगे ताकि ये हमारा यहाँ से पेस्ट हो जाए। इस तरह से अब हम इसे यहाँ से पकड़ के इसे इस तरह से यहाँ से पकड़कर ये देखिए इसे यहाँ से इस तरह से पकड़कर दोनों साइड से बिल्कुल बराबर पकड़ लीजिए यहाँ से, और कसकर यहाँ से बांध लीजिए। ये मैंने एक नेट का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है जिससे हम यहाँ से बांधेंगे। ये देखिए, हमने ये दोनों साइड से बांध लिया है, और हम इसे जो एक्स्ट्रा इसे थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ खींच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फ्रंट से इसे
इस तरह से कर दो। यहाँ पर फ्रंट साइड ये पर्दा भी बन गया। ये देखिए यहाँ पर हम ग्लू गन लगाने से पहले हम इसको, ये मैंने लटकन बनाया था, इसको लगा लेंगे। ये आप नीडल की हेल्प से यहाँ से टपा लीजिए। अदरवाइज आप अगर ये पहले ग्लू गन लगाने से पहले लगा रहे हैं तो ये इस तरह से भी आ जाएगा। ये आप इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर बांधिए। अब हम यहाँ पर इसके इस तरह से ग्लू गन लगा लेंगे। ये देखिए ये यहाँ से पूरी बहुत अच्छी शेप आ चुकी है। अब डेकोरेशन के लिए हम यहाँ पर ये पैच लगा लेंगे ताकि जो हमारा जॉइंट है वो भी यहाँ पर हाइड हो जाए। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, अदरवाइज कोई इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं कुछ स्टोन्स लगा दूंगी ताकि ये बहुत ही सुंदर लगे और हैवी लुक दे। ये मैंने कुछ टेस्टिंग स्टोन लिए थे, मैं इसका यूज़ करूँगी यहाँ पर। ये देखिए ये मैंने पेस्टिंग स्टोन्स लगा दिया, ये इससे हैवी लुक दे रहा है। आप चाहे तो कोई फ्लावर्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब हम इसकी जो यहाँ पर गद्दी है उसे तैयार करेंगे। गद्दी के लिए आप इसका यहाँ से ये चीज़ है जो इसका डायमीटर नाप लीजिए, डायमीटर इसका नाप लीजिए। गद्दी के लिए हम इसका ये डायमीटर ले लेंगे यहाँ से। ये अगर आपका 7 इंच आ रहा है तो आप इसे 1 इंच फालतू ले लीजिए, क्योंकि कई बार ये लगाने में थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम ये स्टिचिंग की हेल्प से लगाएंगे। मैंने ये कपड़ा लिया है, इसके अंदर मैंने फाइबर पहले से ही अटैच कर लिया है। फाइबर भी आप अटैच कर लीजिए और यहाँ पर अब इसे राउंड शेप में, 7 डायमीटर था तो हम इसे 8 ले लेंगे। 8 और इसे सर्कल की शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक ये राउंड शेप काट ली है, इसके अंदर ये बिल्कुल फिट आ रही है। बट इसके साइड्स में और भी फिनिशिंग करने के लिए मैं इसके साइड्स में ये स्ट्रिप लगा दूंगी। ये मैंने 1.5 इंच की स्ट्रिप कट करी है, इसे हम इस तरह से स्टिचिंग की हेल्प से इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए मैंने ये गद्दी तैयार कर ली है, इसके साइड में बाउंड्री लगाकर। ये जो एक्स्ट्रा इसे पड़ा रहने दीजिए यहाँ पर, और अब हम इसे यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। इसे थोड़ा सफाई से पेस्ट करिएगा ताकि मतलब जो बाहर है इसके ड्रॉप्स ना दिखे ग्लू गन के। ये देखिए हमने ये लगा लिया है यहाँ पर इसकी गद्दी। अब आप चाहे तो यहाँ पर पिल्लो मस्टर्ड्स वगैरह तैयार करके भी इसे और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप मोती की लटकन भी लगा सकते हैं इस तरह से। जैसा भी आप चाहो इसे हैवी लुक दे सकते हो, और अगर इसे थोड़ा हल्का लुक देना है तो आप इसे हल्का लुक भी दे सकते हैं। ये देखिए हमारी पूरी टोकरी तैयार है। ये इसकी बैक साइड, ये फ्रंट साइड। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।